फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज है 10वां रोजा और आज अभी बजे हैं 12 और आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन के इस वाले रैक की सफाई, क्योंकि ये रैक पहले काफी दूर था जिससे चूहे इसके अंदर मजे से जाते थे, तो अब इस रैक को बनवा दिया गया है जिसकी वजह से अब चूहे इसके अंदर नहीं जाएंगे और मुझे अपने गंदे बर्तनों को फिर से बार बार धोना नहीं पड़ेगा, साफ ही रहेंगे। तो मैं जा रही हूँ उसकी सफाई करने के लिए। ये देखिए सारे प्लेट्स में रख रही हूँ। ये सारी कटोरिया मैंने ऊपर से उतारी। अब इन सारे बर्तनों को जो धूल सड़ गया है, मैं भी उनको धो नहीं रही हूँ क्योंकि अभी पानी नहीं है, तो मैं सबका डस्ट जो है इसके ऊपर डस्ट लग गई है। ये सब बर्तन अभी पार्टी में यूज़ करने वाले बर्तन हैं, डेली यूज़ के बर्तन नहीं हैं, तो मैं सब इनको देखिए डस्ट कितनी लग गई, काली हुई डस्ट से इसको मैं जो है सब झाड़ ले रही हूँ। ये देखिए मेरा टी पॉट है, इससे सिर्फ डस्ट पड़ गई है, इसको मैं सब झाड़ ले रही हूँ, जो कि जब पार्टी होगी तो फिर धोना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को, इतनी कटोरियाँ हैं, सब कटोरी को मैं अच्छे से देखिए सारी कटोरियों को, सारे बर्तनों को मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ ताकि कहीं पे भी गर ना रह जाए। ऊपर भी देखिए रैक में मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, ये देखिए मैं ऊपर चढ़ गई, चढ़ के देखिए ये सब यहाँ पे, ये जो है सारा बर्तन जो है सबको मैं इसी पर से झाड़ के सबको साफ कर दूंगी। अब इसमें चूहा नहीं आ पाएगा, इसमें फ्लोर पर मैं सारा जो है देखिए सबको मैंने अरेंज कर लिया है, सब पर से डस्ट हटा दी है। अब मैं इस पर न्यूज़पेपर बिछाऊंगी। ये मैंने इसको यहाँ रख दिया, सबको उसकी उसकी जगह पे सेट कर दे रही हूँ। ये मैंने कटोरिया, सारी कटोरियों को मैं डिज़ाइन मिला मिला कर इकट्ठे कर दे रही हूँ, सब इधर उधर हो गई हैं। ये सब एक जैसी हैं, ये सब एक जैसी हैं, ये सारी एक जैसी हैं, इन सब की डिज़ाइन सेम है, डिज़ाइन से मैच करके मैं सबको इकट्ठे कर दे रही हूँ। Thank you.
सारे गिरते जा रहे हैं मुझसे। आधी अलमारी मैंने कर ली है साफ, तो अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। अब मैंने बंद, ये मेरा बर्तनों वाला स्टैंड है, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्लेट्स भी रख सकते हैं और साथ में ये 6 गिलास भी रख सकते हैं और काफ़ी भारी है ये, तो इससे होगा कि आपको प्लेट गिरेगी नहीं, कितनी ही भारी प्लेट रहेगी, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसको पोंछ रही हूँ। ये राइस प्लेट है, सारी प्लेट्स को धो धो कर सबको पोंछ ले रही हूँ मैं, ताकि गंदगी ना हो। सब मैंने पोंछ लिया है, अब मैं इन प्लेट्स को ले जा करके वापस उसी रैक में, जो रैक मैंने रखी थी, देखिए सब उसी रैक में रख दे रही, एक में एक ही प्लेट आ रही है। ये छोटी प्लेट है, क्वार्टर प्लेट, इसको मैं आगे डाल दे रही हूँ। ये क्वार्टर प्लेट है सारी, इसको मैं आगे रख रही हूँ। ये राइस प्लेट है, इसको भी मैं इसी में खड़ा कर दे रही हूँ पीछे। ये क्वार्टर प्लेट है, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। फाइनली अब मैंने पूरा किचन व्यवस्थित कर लिया है, देखिए ये सब ढंग से मैंने सारा अरेंज कर लिया, सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। तो ये थी मेरी रमज़ान स्पेशल, बर्तनों की सफाई, उनका रख रखाव, ये देखिए सब इनको कर दिया है। सारे स्टील के बर्तन मैंने किनारे एक साइड में करके रख दिया है, और ये सारे बर्तन जो डेली यूज़ नहीं आते हैं, और ये मेरी पुराने ज़माने के दलघुटनी हो गई, डोई हो गई, सब चीज़ों को मैंने ऐसे रख दिया है जब काम पड़ेगा तो। अब तो इनका इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बनाने में होता है, सब मैंने एक तरफ कर दिया है। सारे प्लेट्स जो यूज़ होने वाली थी सब इकट्ठे कर दिया है, ये सब सारी सफाई जो है अब कंप्लीट हो गई है। तो ये थी मेरी आज की किचन की रमज़ान वाली सफाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।